अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.12। एक्सरसाइज 2.12 है इसका क्वेश्चन नंबर वन प्लाट ईच पॉइंट। पॉइंट उसका प्लाट करना है, ड्रा करना, प्लाट विद ड्रा करना, लोकेट करना, प्लाट ईच पॉइंट एंड स्टेट को बताना, स्टेट में बताना द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट किसे कहते हैं? क्वाड्रेंट का मतलब होता है फोर्थ पार्ट। क्वाड्रेंट है उसका क्या होता है? फोर्थ पार्ट यानी चौथा हिस्सा, इट मीन्स चौथा हिस्सा। किसी चीज का जो चौथा हिस्सा होता है, जो फोर्थ पार्ट होता है, उसे कहते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब मीनिंग आप याद रखना, फोर्थ पार्ट चौथा, किसी चीज का जो चौथा हिस्सा होता है उसे कहते हैं क्वाड्रेंट। तो बताना है किस क्वाड्रेंट इन विच इट लाइज, जो पॉइंट है किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। एक क्वेश्चन करने से पहले जो चीज़ें समझने वाली हैं वो हो गए हैं प्लेन। जो सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो हमें क्या समझनी है, प्लेन कैसे कहते हैं। तो प्लेन जो होती है वो क्या होती है? अ प्लेन हैज टू डायमेंशंस, प्लेन हैज टू डायमेंशंस। अ प्लेन हैज टू डायमेंशंस, डायमेंशन किसे कहते हैं? जो डायमेंशन होती हैं आई ई लिखा है, इसका क्या होता है? यानी कि आई ई यानी कि लेंथ एंड ब्रेथ या विड्थ। अ प्लेन हैज टू डायमेंशंस, डायमेंशन से क्या मराद है? लेंथ एंड बट जो प्लेन होती है उसकी दो डायमेंशन होती हैं। एक डायमेंशन क्या होती है? लेंथ होती है। दूसरी डायमेंशन क्या होती है? वेट होती है। इस जो एग्जांपल हैं, एग्जांपल बताता हूँ आपको, तो फिर आपको इसकी समझ आएगी और कभी भूलेगा भी नहीं। ठीक है, प्लेन का जो कंसेप्ट है एग्जांपल की वजह से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसका जो कंसेप्ट है प्लेन का, वो कभी आपको भूलेगा नहीं, हमेशा आपको याद रहेगा, कभी आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। तो प्लेन के एग्जांपल क्या है? जैसे वाला व्हाइट बोर्ड है, जो व्हाइट बोर्ड है ये प्लेन है, जो व्हाइट बोर्ड है ये क्या है? प्लेन है। जैसे ये इसकी डायमेंशन क्या है? यूं इस साइड पर जाए तो ये क्या होगी? इसकी लेंथ होगी। इस साइड में जाए क्या होगी? इसकी लेंथ होगी। इस साइड में जाए तो इसकी क्या होगी? वेड्थ होगी, लेंथ एंड वेड्थ। तो जो व्हाइट बोर्ड है ये क्या है? प्लेन है। जो व्हाइट बोर्ड आ गया जाए, जो व्हाइट बोर्ड है ये क्या है? प्लेन है। ठीक है, ये सब आपने रूम में देखें, आपके रूम में देखें तो आपको बेशुमार प्लेन्स नज़र आएगी। कौन कौन से? जैसे फोर वॉल्स ऑफ द रूम। तो कमरे के जो चार दीवारें हैं, जो हर दीवार है, हर दीवार जो होती है, हर दीवार वो क्या है? प्लेन है। आप आपके रूम में देखें, जहाँ बैठे हुए हैं, जिस रूम में बैठकर देख रहे हैं, तो जो रूम की जो चारों दीवारें हैं, फोर वॉल्स ऑफ द रूम, हर दीवार एवरी वॉल इज अ प्लेन। तो हर जो वॉल है वो क्या है? प्लेन है। इसी तरह कमरे की जो रूफ है, जो छत है, जो कमरे की जो छत है, रूफ है, वो क्या है? वो भी प्लेन है। रूफ इज अ प्लेन, उसकी भी दो डायमेंशन है, हर वॉल की भी दो डायमेंशन है, लेंथ और वेथ। इस तरह जो रूफ है उसकी भी दो डायमेंशन है, लेंथ एंड वेथ। इस तरह जो फ्लोर है, फ्लोर है आपके रूम, जो फ्लोर है वो क्या है? वो भी प्लेन है। ठीक है, इस तरह जो बुक है, जो बुक आप स्टडी कर रहे हैं, उसका ई एवरी पेज ऑफ ए बुक। जो बुक का पेज होता है, बुक का जो पेज होता है, हर पेज क्या है? प्लेन है। उसकी लेंथ होती है और वेड्थ होती है। तो इस जो मैच बॉक्स होता है, किचन में चले जाएँ, किचन में जाकर देखें, जो मैच बॉक्स है वो क्या होता है? प्लेन होती है। ठीक है, मैच बॉक्स की दो डायमेंशन होती है, लेंथ है वेड्थ। ठीक है, उसका जो हर साइड होती है, ई साइड एवरी फेज, एवरी फेज
of a every phase of a जो मैच बस के छह साड़ी होती है, मैच बस के छह साड़ी होती है, जो हर साइड है वो क्या होती है, इज अ प्लेन। जो मैचेस की डब्बी होती है उसकी छह साड़ी होती है, हर साइड क्या होती है, प्लेन होती है। इस तरह जो मोबाइल आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, आपके हाथ में जो मोबाइल है देखिए उसके भी जो हर साइड है ऊपर वाली साइड नीचे वाली साइड वो क्या, वो भी प्लेन है। ठीक है, ये प्लेन के एग्जाम्पल है। अब आपको प्लेन की समझ आ गई होगी, इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, कार्टेशियन प्लेन, जिसे कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। ठीक, तो एक मैथमेटिशियन था उसका नाम, इसका नाम लिखा है, मैथमेटिशियन था जिसका नाम कार्टेस था, उसके नाम पर इसका नाम रखा है कार्टेशियन प्लेन, या इसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, इसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट। ये जो बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड है, ये इसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन। तो प्लेन के हम क्या करते हैं, ये जो बोर्ड है इसको हम चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। क्या कर लें, जो बोर्ड है उसके हम चार हिस्से कर लेते हैं। कैसे चार हिस्से करते हैं, ये प्लेन है, सारा बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड किया क्या है, प्लेन है, हम क्या करते हैं इसके फोर पार्ट्स कर लेते हैं। कैसे फोर पार्ट्स करते हैं, दो लाइन्स आप ड्रा कर लेते हैं, एक लाइन और दूसरी लाइन, तो वही ड्रा टू परपेंडिकुलर लाइन्स। क्या करते हैं, वही ड्रा टू परपेंडिकुलर लाइन्स, वही ड्रा टू परपेंडिकुलर लाइन्स टू डिवाइड ए प्लेन। प्लेन का मतलब कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन, तो वी ड्रा टू परपेंडिकुलर टू डिवाइड ए प्लेन इन फोर पार्ट्स, इन फोर पार्ट्स। तो प्लेन को हम दो लाइनें ड्रा करके, कौन सी लाइनें, परपेंडिकुलर लाइन्स, यानी ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। इसका क्या होता है कि दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, दोनों लाइनें एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल, यानी ये वाला जो एंगल है, ये एंगल वो कितना है, 90 डिग्री का, यानी ये लाइन एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल। इस तरह ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल ये भी 90 डिग्री का, ये सही वाला जो एंगल है ये वाला ये भी 90 डिग्री का, ये एंगल ये भी, तो दोनों लाइनें एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ठीक है, ये याद रखना कि प्लेन को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं इनटू फोर इक्वल पार्ट्स, फोर पार्ट्स, बाय ड्राइंग टू परपेंडिकुलर लाइन, दो परपेंडिकुलर लाइन्स ड्रा करके हम प्लेन के चार हिस्से कर लेते हैं। अब देखें मजीद आगे चलते हैं, तो दोनों लाइन यहाँ पर कट कर दी है, ये दो लाइनें हैं, ये वाली दो लाइनें यहाँ पर कट कर रही हैं, तो इसको ओ लिखते हैं। इसको हम क्या लिखते हैं, इस पॉइंट का नाम क्या लिखते हैं, ओ। यहाँ पर एरो लगा देते हैं, एरो, ये लाइन आगे जा रही है, इस साइड भी एरो लगा दिया, ये लाइन इस सब साइड पर आगे जा रही है, ऊपर अपवर्ड एरो लगा दिया, ये लाइन ऊपर जा रही है, डाउनवर्ड एरो लगा दिया, ये लाइन नीचे जा रही है। जो लाइन होती है वो आगे दोनों साइड साइड के ऊपर मूव कर दिया, आगे भी जा रही है, इस साइड पर जा रही है, ऊपर भी जा रही है, नीचे भी जा रही है, तो दोनों लाइन जो पॉइंट पर कट कर दिया, उसे कहते हैं ओ। तो ओ का मतलब होता है ओरिजिन, ओ का क्या मतलब होता है, ओ इज इक्वल टू ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, ओरिजिन का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट। ओरिजिन का क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं, जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं उसे हम कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे आपने घर से स्कूल जाना है और आपने घर से स्कूल जाना है, तो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ओरिजिन, वो क्या होगा, आपका घर होगा, भैया आपका घर है, ठीक है, ये होम है आपका, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ओरिजिन होगा। जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर आपका स्कूल है, यहाँ स्कूल है आपका,
यहाँ पर जाना है, तो अब यहाँ से यहाँ पर जाते हैं, फिर यहाँ से यहाँ पर जाते हैं, मूव करते हैं, ये आपका जो पाथ है, जो जिस पाथ को आप फॉलो करते हैं, यहाँ से आप घर से निकले थे, वाला क्या है ओरिजिनल स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से यहाँ पर है, फिर यहाँ से यहाँ पर अपने स्कूल में आप पहुँच गए, जो भी आप पाथ फॉलो करते हैं, तो ओरिजिन जहाँ पर उन्होंने एक दूसरे कट कर दिया, उसे कहते हैं ओरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, यहाँ से आपने मूव करना है, ठीक है, तो उसको लेबल क्या करते हैं ओ के साथ, फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो लाइन है, ये लाइन जो है, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या होता है, एक्स एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम क्या कहते हैं एक्स एक्सिस, इसके इसके ऊपर ओरिजिन से इस साइड के ऊपर जाएं, इस ओरिजिन से राइट साइड के ऊपर मूव करें, तो इस पर साइड के ऊपर प्लस पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, अगर आप ओरिजिन से राइट साइड की तरफ मूव करें तो क्या होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, अगर आप ओरिजिन से लेफ्ट साइड के ऊपर मूव करें बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करें तो यहाँ पर नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, इसे कहते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ओ एक्स ओ प्लस एक्स ये क्या है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये वाली एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये वाली एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम क्या कहते हैं एक्स एक्सिस, यानी माइनस एक्स ओ एक्स, माइनस एक्स ओ एक्स, माइनस एक्स ओ एक्स, या जो एक्स एक्स को स्मॉल एक्स भी लिख सकते हैं और कैपिटल एक्स भी लिख सकते हैं, माइनस एक्स ओ ओ कैपिटल एक्स, तो बुक्स में माइनस के बजाय क्या लिखा होता है एक्स डैश लिखा होता है, बुक्स में माइनस एक्स के बजाय क्या लिखा होता है एक्स डैश लिखा होता है, तो एक्स डैश का मतलब क्या होता है माइनस एक्स, तो एक्स डैश ओ एक्स, एक्स डैश ओ एक्स हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, तो ये ओरिजिन से राइट साइड के ऊपर एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड के ऊपर एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन होती है, इस वाली जो लाइन है ये वाली लाइन इसे हम कहते हैं वर्टिकल लाइन, दूसरी लाइन कौन सी है वर्टिकल लाइन, ये जो लाइन है ये लाइन इसे हम कहते हैं वर्टिकल लाइन, जब ओरिजिन से जब ऊपर जाएंगे ऊपर की तरफ जाएंगे ओरिजिन से स्टार्टिंग पॉइंट से जब अपवर्ड जाएंगे ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्लस वाई होगा, क्या होगा प्लस वाई, तो ये वाली वाई एस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये वाली ओरिजिन से ऊपर की तरफ वाई एस की पॉजिटिव डायरेक्शन, इस तरह नीचे की तरफ जाएं ये यहाँ पर क्या लिखा माइनस वाई, ये वाली वाई एस की नेगेटिव डायरेक्शन है, ये वाली वाई एस की नेगेटिव डायरेक्शन है, ठीक है, इसे हम कहते हैं वाई एस, वर्टिकल लाइन है उसे हम क्या कहते हैं वाई एक्सिस, बुक में क्या लिखता है कैपिटल वाई ओ वाई डैश, ठीक है, वाई ओ वाई डैश या वाई डैश ओ वाई, ठीक है, जो वाई एस वो क्या लिखते हैं वाई ओ वाई डैश या वाई डैश ओ वाई, वाई ओ वाई डैश या वाई डैश ओ वाई जैसे मर्जी लिखते हैं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वाई डैश का मतलब होता है माइनस वाई, वाई डैश मीन्स माइनस वाई, ये वाली वाई एस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये वाली वाई एस की नेगेटिव डायरेक्शन है, ठीक है, तो ये वाला ओरिजिन हो गया, तो जो दो लाइनें हैं ये क्या है इन्हें हम कहते हैं रेफरेंस लाइन, जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है वो क्या चीज़ है आप रेफरेंस लाइन, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर रेफरेंस लाइंस, जैसे ओरिजिन क्या चीज है स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ओरिजिन क्या होता है स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इस तरह एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस क्या है रेफरेंस लाइन, यानी आपने किस डायरेक्शन में मूव करना है, यानी आपने ओरिजिन से किस डायरेक्शन में मूव करना है, इस डायरेक्शन में मूव करना है या इस डायरेक्शन में मूव करना है या अपवर्ड मूव करना है या डाउन मूव करना है, ठीक है, ओरिजिन से आपने राइट साइड के पास जाना है या लेफ्ट साइड के पास जाना है या अपवर्ड जाना है या डाउन मोड जाना है, ये जो लाइन है ये क्या है रेफरेंस लाइन, जैसे आप मैप देखते हैं नक्शा देखते हैं, जो मैप होता है उसमें क्या होता है ये डायरेक्शन क्या होती है वेस्ट, ये डायरेक्शन क्या होती है वेस्ट होती है, ये डायरेक्शन क्या होती है ईस्ट, ईस्ट होता है, ये क्या होता है नॉर्थ, ये क्या होता है साउथ होता है, तो ये भी डायरेक्शन है, जो लाइन ये क्या है डायरेक्शन है, जो नेगेटिव एक्सिस ये क्या है वेस्ट डायरेक्शन है, जो पॉजिटिव एक्सिस ये क्या है ईस्ट डायरेक्शन है, जो पॉजिटिव वाई एक्सिस ये क्या है
नॉर्थ डायरेक्शन है, जो नेगेटिव है इसलिए क्या साउथ डायरेक्शन है, ठीक है। जो ईस्ट है ईस्ट प्लस एक्स है, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जो वेस्ट है वो क्या है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। ये सर जो प्लस वाई है वो क्या है नॉर्थ है, जो माइनस वाई है वो क्या है साउथ है। ये डायरेक्शन है जो लाइन है ये समय क्या है, ये वेस्ट है ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है ये वाला साउथ है। इस तरह से आपको हमें अपने याद रखना है। अब उसके बाद हम देखते हैं क्वाड्रेंट, ये जान पड़ा क्वाड्रेंट, ठीक। अब देखिए ये जो दो लाइनें हैं इन्हें प्लेन को डिवाइड कर दें फोर इक्वल फोर पार्ट्स, एक ये वाला पार्ट है, दूसरा ये वाला पार्ट है, तीसरा ये वाला पार्ट है, चौथा ये वाला पार्ट है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे क्या कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। हियर एक्स प्लस एक्स प्लस वाई, ये प्लस एक्स है ये प्लस वाई, इसके दरमियान वाला जो है हम क्या कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसे क्यू में लिख सकते हैं क्यू वन, क्यू वन फर्स्ट क्वाड्रेंट, बचाए पूरा लिख लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसे हम लिखते हैं क्यू वन क्वाड्रेंट वन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो है माइनस एक्स और प्लस वाई, कौन सा माइनस एक्स, ये माइनस एक्स और प्लस वाई, इसके दरमियान जो है इससे, ठीक है, इसे हम कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। ये आपने याद रखना है, ये आपने याद बता रहा हूँ इसलिए बता रहा कि आपसे याद रखना है। अगर ये चीज़ आपको याद रख याद होगी तो फिर आप ग्राफ ड्रा करेंगे, अगर ये चीज़ याद है फिर आप ग्राफ ड्रा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ग्राफ ठीक तरीके से दुरुस्त ड्रा करने के लिए इन चीज़ों का याद होना पता होना आपको ज़रूरी है। ये सीख लेंगे तो आप अगले जितने भी ग्राफ से कभी भी इन चीज़ों में परेशानी नहीं होगी। सेकेंड क्वार्टर क्या लिख सकते हैं क्यू टू, तो एक इंप्लीशन चेंज नहीं होती, हमेशा ये वाला फर्स्ट क्वार्टर होगा हमेशा। इसका फर्स्ट क्वार्टर नहीं कह सकते, इसका फर्स्ट क्वार्टर नहीं कह सकते, इसका फर्स्ट क्वार्टर हमेशा ये वाले फर्स्ट क्वार्टर होगा, इसका हमेशा ये वाला सेकंड क्वार्टर होगा। ये सब माइनस एक्स और माइनस वाई, तो माइनस एक्स और माइनस वाई एक दिन बन गया जो ऐसा है, इसे हम कहते हैं थर्ड क्वार्टर, इसे कहते हैं थर्ड क्वार्टर। ये फिफ्थ क्वार्टर है, इनकी जो पोजिशन है वो चेंज नहीं हो सकती क्यू थ्री, ये वाला थर्ड क्वार्टर है हमेशा, ये वाले थर्ड क्वार्टर, इसी को हमें थर्ड क्वार्टर, इसको हमें थर्ड क्वार्टर नहीं कहना। ये फर्स्ट है तो ये सेकंड नहीं होगा बल्कि सेकंड ये वाला होगा, ठीक है। ये और बाकी ये फोर्थ क्वार्टर है, ये वाला फोर्थ क्वार्टर है क्यू फोर, इसे क्या कहेंगे क्यू फोर, ये वाला फोर्थ क्वार्टर है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या करना है हमें। अब देखें हर जो ये प्लेन जिसका हमने चार हिस्सों में डिवाइड कर लिया, ये ओ ये प्लस एक्स, इस साइड के माइनस एक्स प्लस वाई, ये वाला माइनस वाई, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या देखना है पोजिशन ऑफ ए पॉइंट, क्या देखना है एवरी पॉइंट इन ए प्लेन। जैसे यहाँ पर हम पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इस पर कोई पॉइंट बेशुमार पॉइंट्स है, एक पॉइंट हमने लिया जैसे पी वन कह लेते हैं, इस सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर कोई पॉइंट ले लें पी टू, थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पर कोई पॉइंट ले लें पी थ्री, फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ पर कोई पॉइंट ले लें पी फोर। तो हर क्वाड्रेंट में बेशुमार पॉइंट्स है, उस पर एक पॉइंट हमने लिया पी वन, सेकंड क्वाड्रेंट में पी टू, थर्ड क्वाड्रेंट में पी थ्री, फोर्थ क्वाड्रेंट पी फोर। तो एवरी पॉइंट इन द प्लेन, एवरी पॉइंट इन द प्लेन। जो क्वाड्रेंट्स है ये प्लेन का हिस्सा होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड फोर्थ ये वाले प्लेन का हिस्सा होते हैं। एवरी पॉइंट इन ए प्लेन हैज टू कोऑर्डिनेट्स, इन्हें कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। एवरी पॉइंट इन ए प्लेन हैज टू, तो पॉइंट के लिए हम क्या कैसे लेते हैं एक्स वाई, क्या लेते हैं पी पॉइंट, फिर इसके ये जो एक्स वाई इसके कोऑर्डिनेट्स है, एवरी पॉइंट इन ए प्लेन हैज टू कोऑर्डिनेट्स। तो इसका जो पॉइंट पी है इसका एक कोऑर्डिनेट एक्स है, दूसरा कोऑर्डिनेट वाई है। तो एस कोऑर्डिनेट, और एब्सिस
प्लेन में हर पॉइंट, हर पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, प्लेन में हर पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, पहला एस कोऑर्डिनेट, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। एवरी पॉइंट इन द प्लेन हैज टू कोऑर्डिनेट, एस इज कॉल्ड एस कोऑर्डिनेट और एब्सिस, ए बी एस सी आई डबल एस है, जो एस कोऑर्डिनेट होता है उसे क्या कहते हैं, एब्सिस, ठीक है। फिर इसी तरह जो वाई कोऑर्डिनेट, जो वाई है, या वाई इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट और ओरिजिन, ओ आर डी आई एन ए टी, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हम कहते हैं एब्सिसा, एस कोऑर्डिनेट या एब्सिसा, जो वाई एक्सिस हम कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट या ओरिजिनेट। तो एवरी पॉइंट इन द प्लेन हैज टू कोऑर्डिनेट्स, एस एंड वाई, एस इज कॉल्ड एस कोऑर्डिनेट और एब्सिसा, वाई इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट और ओरिजिनेट, ये हमें याद रखने हैं। अब एस होता क्या चीज़ है, एस क्या चीज़ होती है, अब हम देख रहे हैं जो एक्स है वो क्या चीज़ है, एक्स क्या होता है, डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एस, जो एक्स है वो क्या होता है, डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एस, जो एक्स है, जो एस कोऑर्डिनेट है, एस मीन्स एस कोऑर्डिनेट, या जो एक्स है या एस कोऑर्डिनेट है वो क्या होता क्या है, एस इज डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एस, जो एस किसी पॉइंट का जो एस कोऑर्डिनेट है वो क्या होता है, डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एस या हॉरिजॉन्टल है इस लाइन के साथ, इस लाइन के जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं एस, वो डिस्टेंस पॉजिटिव डायरेक्शन में हो सकता है और नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है, तो एस डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एस इन पॉजिटिव और इन पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन, जो पॉइंट पी का जो एस कोऑर्डिनेट है वो क्या है, डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इस पॉइंट के साथ डिस्टेंस है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन या इन द नेगेटिव डायरेक्शन, अगर एस की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर एस की वैल्यू पॉजिटिव है, जैसे एस इक्वल टू 2 है, अगर एस इक्वल टू प्लस 2 है, तो क्या होगा, डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, अगर एस की वैल्यू माइनस 2 है, एस इक्वल टू माइनस 2 पी का होगा, डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस इन द नेगेटिव डायरेक्शन, इफ एस इक्वल प्लस 2 देन क्या होगा, डिस्टेंस, और डिस्टेंस का हमने मेजर कहाँ से करना है, ओरिजिन से, डिस्टेंस हमने कहाँ से मेजर करना है, ओरिजिन से मेजर करना है, एस इक्वल प्लस 2 डिस्टेंस अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, एस इक्वल माइनस 2 का मतलब है डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस इन द नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है जी। एस इज डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस इन द पॉजिटिव और नेगेटिव, एस के जो भी साइन होगा प्लस साइन है तो डिस्टेंस अलॉन्ग पॉजिटिव डायरेक्शन, माइनस है डिस्टेंस अलॉन्ग नेगेटिव डायरेक्शन, इस तरह जो वाई है वो क्या होगा, वाई इज डिस्टेंस, वाई इज डिस्टेंस अलॉन्ग वाई एक्सिस, वाई इज डिस्टेंस अलॉन्ग वाई एक्सिस, वाई इज क्या, ये जो वाई है वो क्या है, डिस्टेंस अलॉन्ग वाई एक्सिस, इस लाइन के साथ जो डिस्टेंस होता है ये वाई एक्सिस है, तो इस लाइन के साथ जो डिस्टेंस होता है ओरिजिन से ऊपर या नीचे, वाई इज डिस्टेंस अलॉन्ग वाई एक्सिस इन द पॉजिटिव, इन द पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन, इन द वाई इज कॉल्ड डिस्टेंस अलॉन्ग वाई एक्सिस इन द पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन, ये चीज़ें हमें याद रखनी है। उसके बाद हम देखते हैं दोबारा से बना लेते हैं, ये ओरिजिन प्लेन का हमने फोर पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ये क्या है, इस साइड पर पॉजिटिव एक्सिस है, इस साइड के ऊपर नेगेटिव एक्सिस है, इस साइड के ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस है, इसके ऊपर नेगेटिव वाई एक्सिस, यानी यहाँ पर एस की वैल्यू पॉजिटिव होगी, इस साइड पर एस की वैल्यू नेगेटिव, इस साइड पर एस की वाई की वैल्यू पॉजिटिव और नीचे वाई की वैल्यू नेगेटिव, ठीक है। अब देखें ये वाला फर्स्ट क्वार्टर, ये क्या फर्स्ट क्वार्टर, तो इस क्वार्टर में, इस फर्स्ट क्वार्टर में जितने भी पॉइंट्स होते हैं उसमें एस की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, ये फर्स्ट क्वार्टर है, फर्स्ट क्वार्टर क्यू वन लिख लें, फर्स्ट क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर में जितने भी पॉइंट्स होते हैं कोई भी पॉइंट हो उसमें यदि प्लस एस है प्लस वाई, प्लस एस प्लस वाई, प्लस एस प्लस वाई, तो ये फर्स्ट क्वार्टर है,
जिसमें कोई भी पॉइंट होगा उसमें एस के वाले भी पॉजिटिव आ गए, वाई के वाले भी पॉजिटिव। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये उन्होंने क्या है सेकंड क्वाड्रेंट है की वो टू। तो यहाँ पर देखें एस के वाले नेगेटिव है, एस की वैल्यू नेगेटिव और वाई की वैल्यू पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा उसमें एस की वैल्यू नेगेटिव होगी, वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी। सेकंड क्वाड्रेंट कैसे बनता है, सेकंड क्वाड्रेंट कैसे बनता है, माइनस एस और प्लस वाई के साथ। कैसे बनता है, माइनस एस प्लस वाई के साथ। तो इसमें एस की वैल्यू नेगेटिव होगी, वाई की वैल्यू हमेशा पहले आपने एस की वैल्यू लिखनी है, बाद में वाई की वैल्यू लिखनी है। हमेशा जब भी आपने पॉइंट लिखना है पॉइंट में एस की वैल्यू पहले लिखनी है, वाई की वैल्यू बाद में लिखनी है। तो फर्स्ट क्वार्टर में एस की वैल्यू भी पॉजिटिव, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव। सेकंड क्वार्टर में एस की वैल्यू नेगेटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव। ये क्या है थर्ड क्वार्टर है, ये वाला थर्ड क्वार्टर है क्यू थ्री। इसमें देखें ये माइनस एस, ये वाला माइनस वाई, माइनस एस और इसमें कोई भी पॉइंट होगा तो उसमें एस की वैल्यू भी नेगेटिव होगी, वाई की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। थर्ड क्वार्टर में एस की वैल्यू भी नेगेटिव होती है, वाई की वैल्यू भी नेगेटिव होती है। ये हमें याद रखें, ये वाला फोर्थ क्वार्टर है। तो फोर्थ क्वार्टर में क्या एस की वैल्यू पॉजिटिव है, वाई की वैल्यू नेगेटिव है। फोर्थ क्वार्टर में एस की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की वैल्यू नेगेटिव। इस क्वार्टर में एस की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की वैल्यू नेगेटिव। ठीक है, तो किसी पॉइंट का एस भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वार्टर होगा, अगर एस नेगेटिव और वाई पॉजिटिव तो फिर सेकेंड क्वार्टर होगा, और एस भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव फिर थर्ड क्वार्टर होगा। तो यहाँ पर एस पॉजिटिव और वाई नेगेटिव फिर फोर्थ क्वार्टर। यहाँ पर देखें दोनों के साइन पॉजिटिव सेम है, यहाँ पर दोनों के साइन सेम है। तो फर्स्ट क्वार्टर में दोनों के साइन सेम होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वार्टर में दोनों के साइन सेम है लेकिन नेगेटिव है। तो सेकंड क्वार्टर में देखें एस और वाई का साइन अपोजिट है, यहाँ पे एस और वाई का साइन अपोजिट है। सेकंड क्वार्टर में और फोर्थ क्वार्टर में एस और वाई का साइन अपोजिट होते हैं। ये माइनस है, ये प्लस है, इधर ये प्लस है, ये वाला माइनस है। तो इसको आपने याद रखना। चलिए इसका आप क्वेश्चन नंबर वन करते हैं, आप क्वेश्चन नंबर वन करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन कैसे करना है, पॉइंट दिया हुआ है आपको, पॉइंट क्या है ए माइनस एस सी। फर्स्ट पॉइंट है इसका, पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट का नाम उसे ए लिखा हुआ है, पॉइंट ए माइनस सिक्स थ्री, ए पॉइंट ए है। तो माइनस एस, ये एस की वैल्यू, ये वाली एस की वैल्यू है, ये वाली वाई की वैल्यू है। एस नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। एस यहाँ पर नेगेटिव है, वाई यहाँ पर पॉजिटिव है। ये देखें यहाँ पर देखें कहाँ पर आएगा, तो ग्राफ पेपर के ऊपर अब ये काम ग्राफ पेपर के ऊपर करेंगे। तो ग्राफ के पेपर ग्राफ, ये आपने जो दो लाइनें लगा लेनी है ग्राफ पेपर के, अभी ये दो लाइनें लगा लेनी है। यहाँ पर क्या लिखते हैं ना, जब पर दोनों लाइनें कट कर दी है, ये क्या ओरिजिन, ये जो पॉइंट है, जब दोनों लाइनें कट कर दी है क्या ओरिजिन है, स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पर एस की वैल्यू भी जीरो होती है, वाई की वैल्यू भी जीरो होती है, स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पर एस की वैल्यू क्या होती है जीरो, वाई की वैल्यू भी जीरो होती है। ये साइड के बाद प्लस एक्स, ये साइड के बाद प्लस एक्स, ये साइड के बाद माइनस एक्स। तो प्लस एक्स माइनस एक्स लिखकर लिखेंगे तो आपको कभी गलती नहीं होगी, भूलेगा नहीं। ठीक है, प्लस एक्स लिखें, माइनस एक्स लिखें, फिर आप जब ये ग्राफ ड्रा करेंगे आपको कभी मिस्टेक नहीं होगी, आपका ग्राफ कभी गलत नहीं होगा। तो ये साइड के बाद प्लस वाई लिख लें, ये साइड के बाद प्लस वाई लिख लें, ये साइड के बाद माइनस वाई। तो ये काम आपने ग्राफ पेपर के ऊपर करना है। तो इस तरह दो लाइनें लगा ली, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, ये वाला फोर्थ। अब यहाँ पर जो बांस बने होते हैं ग्राफ पेपर के, क्या होते हैं बांस बने होते हैं, एक बड़ा बांस होता है। ठीक है, तो बड़े बांस के दो हिस्से कर लें, बड़े बांस के दो हिस्से, जो फाइव स्मॉल स्केल्स हैं, जो फाइव स्मॉल स्केल्स हैं वहाँ पर आप लिखें वन, फिर फाइव स्मॉल स्केल यहाँ पर आप लिखें टू लिखें। जो एक बिग स्केल है उसके दो हिस्से कर लें, आधे आधे स्केयर पर वन लिखें, बाकी आधे स्केयर पर टू, फिर आगे यानी फाइव स्मॉल स्केयर के ऊपर आप वन टू थ्री लिख लें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ठीक है, इस साइड के ऊपर जो एस की वैल्यू क्या होगी, प्लस साइन होगा ओरिजिन से, राइट साइड के बजाय एस की वैल्यू का साइन
पॉजिटिव होगा प्लस होगा, और पॉजिटिव के लेफ्ट साइड पर आएंगे प्लस के वैल्यूज क्या है, नेगेटिव है। इस साइड पर लिख लिया आप माइनस वन, यहाँ पर क्या लिखा है माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, ठीक है। ये सब आई एस के ऊपर, वो ऊपर भी साइड पर वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, ऊपर लिखे यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, नीचे माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, ठीक है। तो आपका जो ग्राफ पेपर है उसके ऊपर आपने जो फाइव सेट समास स्केल्स हैं, फिर वन सेट वन लिख दिया, फिर अगले फाइव समास स्केल्स टू लिख दिया, इसके बाद फाइव समास स्केल थ्री, इस साइड के बाद एस की वैल्यू पॉजिटिव, इस साइड का एस की वैल्यू नेगेटिव, ऊपर वाई की वैल्यू पॉजिटिव, नीचे वाई की वैल्यू नेगेटिव। अभी अगर आप पॉइंट ये देखें, एस की वैल्यू नेगेटिव है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, एस की वैल्यू नेगेटिव है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, कौन सा सेकंड क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। एस की वैल्यू माइनस है, वाई की वैल्यू प्लस है, एस की वैल्यू माइनस, वाई की वैल्यू प्लस, तो कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, ये वाला क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट को हम क्या कहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट। दिस पॉइंट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, दिस पॉइंट लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाला पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है जी। अब हमें इसको ड्रा करना है, अब हमें क्या करना है, इसको ड्रा करना है, प्लॉट करना है या ड्रा करना है। एस के वैल्यू माइनस सिक्स, यहाँ से शुरू करेंगे, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से शुरू करना है, कहाँ पर जाना है, माइनस सिक्स तक जाना है, ओरिजिन से आप स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, माइनस सिक्स तक, ओरिजिन से स्टार्ट किया, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, यहाँ पर आपने रुक जाना है, माइनस सिक्स के ऊपर आपने रुक या स्टॉप कर देना है, ठीक है। अब आपने देखना, अब यहाँ से आपने किस साइड पर जाना है, ऊपर जाना है या नीचे जाना है, पहले आप ओरिजिन से माइनस सिक्स के ऊपर आ गए, यहाँ पर आपने देखना है, डिसाइड करना है आपने ऊपर की तरफ जाना है या नीचे की तरफ जाना है, नॉर्थ की तरफ जाना है या साउथ की तरफ जाना है। इस पर देखें ये क्या है, प्लस थ्री है, ये क्या है प्लस थ्री, तो प्लस ऊपर है, ऊपर है, प्लस थ्री है, देखें माइनस वन है, यहाँ पर क्या हो गया, ये सॉरी प्लस वन है, ये क्या प्लस वन, तो वहाँ ये वन हो गया, ये टू है, यहाँ पर टू आ गया, ये थ्री है, यहाँ पर थ्री आ गया, ठीक है। पहले आप माइनस सिक्स पर आएंगे, ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, कहाँ पर आ गया आप माइनस सिक्स का, अब यहाँ से आपने जाना है ऊपर या नीचे, यहाँ से आपने ऊपर जाना है या नीचे जाना है, तो प्लस का साइन बता रहे हैं कि आपने ऊपर की तरफ जाना है, कितने ऊपर जाना है, थ्री यूनिट्स, ये वन यूनिट, टू यूनिट है, थ्री यूनिट, थ्री के सामने यहाँ पर थ्री यूनिट्स है, वहाँ पर आप सर्कल लगा दें, जिसके ऊपर आप सर्कल लगा दें, ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट लगा ए माइनस सिक्स और थ्री, ठीक है, ये वाला पॉइंट ए माइनस सिक्स और थ्री। पहले ओरिजिन से माइनस सिक्स के ऊपर आएगा, अब माइनस सिक्स से यहाँ पर आप ऊपर जाएंगे थ्री यूनिट्स, एक दो तीन, वन टू थ्री, तो यहाँ पर थ्री आ जाएगा, वहाँ पर हम सर्कल लगा देंगे, वह पॉइंट लिखते हैं माइनस सिक्स और थ्री। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, माइनस थ्री, माइनस थ्री, नेक्स्ट पॉइंट है माइनस थ्री और माइनस थ्री, सेकेंड पॉइंट है, पॉइंट बी है माइनस थ्री और माइनस थ्री, तो इसमें एस की नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, एस की वैल्यू भी नेगेटिव है, वाई की वैल्यू भी नेगेटिव है, एस भी माइनस है, वाई ये देखें एस माइनस बी और एस माइनस है, यहाँ पर एस माइनस है, यह वाई माइनस है, एस भी माइनस, वाई भी माइनस, कौन सा क्वाड्रेंट है, ये वाला थर्ड, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये वाला पॉइंट क्यू थ्री, दिस पॉइंट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, दिस पॉइंट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अब इसको हमने ड्रा करना है, अब इसको हमने प्लॉट करना है, माइनस की ये एस की वैल्यू है, ये वाली वाई की वैल्यू, ये पहले क्या होती है एस की वैल्यू, दूसरी वाई की वैल्यू, माइनस की कहाँ से स्टार्ट करना है, ओरिजिन से, यहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पर आना है, माइनस सी के ऊपर, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, यहाँ पर आ गया माइनस सी के ऊपर, और यहाँ पर आपने देखना ऊपर जाना है या नीचे जाना है, तो वाई की वैल्यू नेगेटिव है, तो फिर कहाँ पर जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, नेगेटिव, यहाँ पर ये माइनस वन के सामने माइनस वन आ गया, ये माइनस टू, ये वाला माइनस थ्री आ गया, ठीक है। माइनस सी पहले एस के वैल्यू माइनस थ्री सी, तो ये ओरिजिन से आपने माइनस सी के ऊपर आ गया, ये वाई के वैल्यू माइनस थ्री है, यहाँ से नेगेटिव डायरेक्शन है, माइनस सी के सामने निशान लगा देंगे, सर्कल लगा देंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे डी, क्या लिख देंगे डी माइनस सी एंड माइनस सी, एंड दिस पॉइंट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। इन दैट स्टेप
माइनस टू और सेवन, माइनस टू और सेवन। थर्ड पार्ट है पॉइंट सी है माइनस टू और सेवन, जिसमें एस नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, एस नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, एस नेगेटिव वाई पॉजिटिव है, एस नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, एस के वैल्यू नेगेटिव है वाई के वैल्यू पॉजिटिव है। ये वाला पॉइंट भी कहां पर है? सेकंड क्वाड्रेंट। तो दिस पॉइंट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, एस के वैल्यू नेगेटिव वाई के वैल्यू पॉजिटिव। पहले ये एस की वैल्यू ये वाली वाई की वैल्यू, ये वाली एस की वैल्यू ये वाली, और ये से स्टार्ट करेंगे कहां पर आएंगे? माइनस टू के ऊपर, माइनस टू में ओरिजिन से हमें स्टार्ट करना है, माइनस टू के ऊपर आना है। अब ऊपर जाएंगे नीचे जाना है, तो एस की वाई की वैल्यू प्लस है, ऊपर जाएंगे कहां पर? सेवन के ऊपर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये सिक्स है, ये वाला इसके ऊपर सेवन होगा, इसके ऊपर यहाँ पर सेवन आ गया, ये सी आ गया माइनस टू और सेवन। फिर नेक्स्ट है सिक्स माइनस टेन थ्री फोर, फिर है थ्री फोर, थ्री और फोर। इसमें एस की वैल्यू भी पॉजिटिव है, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव है, बोथ एस एंड वाई आर पॉजिटिव, एस प्लस पॉजिटिव वाई आर, एस देखें प्लस है वाई भी प्लस है, कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिस पॉइंट इज लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एस की वैल्यू प्लस थ्री वाई की वैल्यू प्लस फोर। तो क्या ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, ओरिजिन स्टार्ट के कहाँ पर जाएंगे? थ्री पर, थ्री पर आ जाएंगे, फिर कहाँ पर जाना है? फोर प्लस फोर है, ओरिजिन स्टार्ट के थ्री पर आ गए, यहाँ से हमें फोर जगह से ऊपर जाना है, वन टू थ्री फोर। तो फोर के सामने, फोर के सामने आपने निशान लगा देना, ये वाला पॉइंट आ जाएगा थ्री फोर, पॉइंट थ्री फोर आ गया। फिर नेक्स्ट है माइनस फोर माइनस टू, नेक्स्ट है माइनस फोर माइनस टू, माइनस फोर माइनस टू। तो एस की वैल्यू नेगेटिव है, एस की वैल्यू नेगेटिव है, वाई की वैल्यू भी नेगेटिव है, एस नेगेटिव है वाई नेगेटिव है, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट है, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट है, क्यू थ्री। दिस पॉइंट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, दिस पॉइंट लाइज इन थर्ड, तीसरे क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में एस भी नेगेटिव होता है वाई भी नेगेटिव है। ओरिजिन से स्टार्ट करके माइनस फोर पर आ जाएंगे, ओरिजिन से स्टार्ट किया माइनस फोर पर आ गए, ये माइनस टू है तो नीचे की तरफ जाएंगे, माइनस टू ये माइनस टू है, इसके सामने सर्कल लगा दिया, ये पॉइंट क्या आ गया? एफ माइनस फोर और माइनस टू। तो क्वेश्चन नंबर वन हमने कंप्लीट कर लिया, तो सारी चीज़ें जो मैंने एक्सप्लेन की हैं, तो इस वीडियो का आप दो दफ़ा देखें, तीन दफ़ा देखें, चार दफ़ा देखें, ठीक है? तो जब तक आपको समझ नहीं आ जाती, जब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनको आपने अच्छे तरीके से समझना है, उनको याद रखना है, एक दफ़ा इसको आप समझ लेंगे याद कर लेंगे, फिर जो बाकी जो आपके हायर क्लासेस हैं 8, 9, 10, 11, 12 कभी भी आपको इसमें परेशानी नहीं होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।